राजधानी देहरादून में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने हरिद्वार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रुड़की रोडवेज बस स्टेशन पर 3 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बताया कि उन्होंने स्मैक बरेली से मंगवाई थी, जिसे रईस अहमद बरेली से लेकर आ रहा था। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ की एनटीएफ यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइन्स हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आजाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ था।